अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए आज कन्नड़ा की दूसरी क्लास है। इसे पहले की क्लास में कन्नड़ा अल्फ़ाबेट्स के ताल्लुक से थोड़ी जानकारी हम लोगों को मिली थी। आज हम लोग और आगे और कन्नड़ा अल्फ़ाबेट्स के ताल्लुक से और जानकारी लेंगे। कैजन अकेडमी 10th के स्टूडेंट्स के लिए है और फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज कन्नड़ा, तीन लैंग्वेजेस के लिए सेम है कन्नड़ा अल्फ़ाबेट्स के ताल्लुक से। मैं इससे पहले आपसे बात किया था, इससे पहले की क्लास में आपको बताया था टोटल कन्नड़ा वर्णमालेगळु मीन्स अल्फ़ाबेट्स, कन्नड़ा में अल्फ़ाबेट्स को वर्णमालेगळु बोलते हैं। टोटल कन्नड़ा अल्फ़ाबेट्स 49 है, टोटल कन्नड़ा वर्णमालेगळु 49, ओट्टु कन्नड़ा वर्णमालेगळु 49, टोटल कन्नड़ा अल्फ़ाबेट्स 49 है। आ से ला तक, आ से ला तक, आ इंद ला वरेगे, आ से ला तक टोटल कन्नड़ा वर्णमालेगळु 49 है। आप याद रखें 49 है। इसको कन्नड़ा वर्णमाले में तीन किस्में हैं, स्वरगळु, व्यंजनगळु, योगवाहकगळु। ऑलरेडी बता चुका हूँ, स्वरगळु मीन्स वोवेल्स, व्यंजनगळु मीन्स कॉन्सोनेंट्स, योगवाहकगळु ऑलरेडी इससे पहले की क्लास में बताकर हूँ। स्वरगळु टोटल 13 है, व्यंजनगळु 34 है, योगवाहकगळु 2, योगवाहकगळु 2, व्यंजनगळु 34, स्वरगळु 13। आपको मालूम रहा है स्वरगळु वोवेल्स, आ से औ तक, ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको पहले की क्लास में, आ से औ तक स्वरगळु टोटल 13 लेटर्स हैं। व्यंजनगळु का से ला तक, का से ला तक व्यंजनगळु कॉन्सोनेंट्स, योगवाहकगळु 2 हैं, अम और अहा। क्लियर? हाँ, अच्छा, स्वरगळु में दो किस्में, ऑलरेडी मैं इससे पहले आपको बता चुका हूँ। स्वरगळु मीन्स इंडिपेंडेंट लेटर्स, जैसे इंग्लिश में वोवेल्स होते हैं ए ई ऐ ओ यू, इसी तरह स्वरगळु में इंडिपेंडेंट लेटर्स है। आ से औ तक टोटल 13 लेटर्स हैं। इसको प्रोनाउंस करने का तरीका आपको बताता हूँ। आ आ इस तरह हम लोग प्रोनाउंस करेंगे। कन्नड़ा में बोलते हैं वंदु मात्रेय कालदल्ली उच्चरिसुवंतह अक्षरगळु। स्वरगळु इंडिपेंडेंट लेटर्स, आप इतना समझिए बस, स्वरगळु इंडिपेंडेंट लेटर्स, जैसे इंग्लिश में वोवेल्स होते हैं उसको स्वरगळु बोलते हैं। स्वरगळु में दो किस्में हैं, ह्रस्वस्वर, दीर्घस्वर, ह्रस्वस्वर, दीर्घस्वर। अच्छा मालूम रहे आपको ह्रस्वस्वर, दीर्घस्वर। स्वरगळु टोटल 13 है, इसमें दो किस्में हैं, ह्रस्वस्वर मत्तु दीर्घस्वर। वोवेल्स आ से औ तक हैं, उसे दो किस्में हैं, उसमें ह्रस्वस्वर मत्तु दीर्घस्वर। किसको हम ह्रस्वस्वर बोलते हैं और किसको हम दीर्घस्वर बोलते हैं? जो लेटर को एक मात्रा टेन में प्रोनाउंस कर सकते हैं। कन्नड़ में डेफिनेशन इस तरह है, वंदु मात्रेय कालदल्ली उच्चरिसुवंत अक्षरगळन्नु ह्रस्वस्वरगळु एन्नुवरु। वंदु मात्रेय कालदल्ली उच्चरिसुवंत अक्षरगळन्नु ह्रस्वस्वरगळु एन्नुवरु। वंदु मात्रेय काल, वन मात्रा टाइम, आ दिस इज वन मात्रा टाइम, ओके। वंदु मात्रेय काल, ये मात्रे लेटर्स को प्रोनाउंस करने के टाइम को मात्रे बोलकर काउंट करते कन्नड़ा में, मात्रे बोलते हैं। वंदु मात्रेय कालदल्लि उच्चरिसुवंत अक्षरगळु। अब देखिए ह्रस्वस्वर, जो लेटर एक मात्रा टाइम में प्रोनाउंस करते उसको ह्रस्वस्वर बोलते, जो दो मात्रा टाइम में जो प्रोनाउंस करते उसको दीर्घस्वर बोलते। ह्रस्वस्वर दीर्घस्वर प्लुतस्वर है, आपको जरूरी नहीं है समझना, बस इतना समझना है ह्रस्वस्वर मत्तु दीर्घस्वर। जो लेटर्स को विच लेटर्स प्रोनाउंस इन वन मात्रा टाइम, दट लेट इज कॉल्ड ह्रस्वस्वर। दीर्घस्वर मीन्स टू मात्रा टाइम, जो लेटर प्रोनाउंस करने के लिए टू मात्रा टाइम लेते हैं उसको दीर्घस्वर बोलते हैं। आ दिस इज वन मात्रा टाइम ह्रस्वस्वर, ओके। अगेन आ दीर्घस्वर टू मात्रा टाइम, एरडु मात्रा काल। ई ह्रस्वस्वर, ई दीर्घस्वर। उ ह्रस्वस्वर, उ दीर्घस्वर। रु ह्रस्वस्वर, अगेन ये ह्रस्वस्वरानि दीर्घस्वरानि, ये ह्रस्वस्वर, ए दीर्घस्वर। आई आमतौर पर क्या करते हैं, ह्रस्वस्वर दीर्घस्वर डिवाइड करने में, टोटल आ से औ तक के कन्नड़ा वोवेल्स को ह्रस्वस्व स्वरगळु को डिवाइड करना है ह्रस्वस्वर और दीर्घस्वर में। होता क्या है, आ आ ई ऊरु आ ह्रस्वस्वर, आ दीर्घस्वर ई ह्रस्वस्वर, ई दीर्घस्वर, उ ह्रस्वस्वर, उ दीर्घस्वर, रु ह्रस्वस्वर, ए ह्रस्वस्वर, ए दीर्घस्वर, ऐ ह्रस्वस्वर
समझते हैं हम लोग, आई बोलकर प्रोनाउंस करें, लेकिन ये ह्रस्व स्वर नहीं है। इसको आई बोलकर एक मात्रा टाइम में नहीं प्रोनाउंस करना है, इसको टू मात्रा टाइम में प्रोनाउंस करना है, आई बोलकर। ठीक है, आई बोलकर प्रोनाउंस करेंगे टू मात्रा टाइम में, इसलिए इसको दीर्घ स्वर बोलकर कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट ओ ह्रस्व स्वर, ओ दीर्घ स्वर। अगेन औ हम समझते ह्रस्व स्वर नहीं, ये लेटर दीर्घ स्वर है औ। ओके, यहाँ ह्रस्व स्वर 6 है, दीर्घ स्वर 7 है, 6, 7, 13 टोटल स्वरगलु 13 है। आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए, समझता हो। स्वरगलु मीन्स ओवेल्स, ओवेल्स के दो किस्में, ह्रस्व स्वर मत्तु दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जो लेटर को एक मात्रा टाइम में प्रोनाउंस करते, दीर्घ स्वर जो लेटर को दो मात्रा टाइम में प्रोनाउंस करते, उसी तरह हम लोगों को प्रोनाउंस करना है। जब भी पढ़ते हैं, लेसन पढ़ते, कुछ भी कन्नड़ा पढ़ते हैं, तो जो मात्रा टाइम में उसको प्रोनाउंस करना होगा उसी तरह करना होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इस ये आ है ह्रस्व स्वर ला, अल्ला बोलेंगे, अल्ला बोलेंगे, आ को एक मात्रा टाइम में प्रोनाउंस करेंगे। अगेन हियर दिस इज टू मात्रा टाइम लेटर, दिस इज दीर्घ स्वर, वी शुड प्रोनाउंस आ, दिस इज आला, दिस इज अला, दिस इज आला, इसलिए कि ये दीर्घ स्वर है, टू मात्रा टाइम में प्रोनाउंस करते, इसका हम लोग ख्याल रखें जब लिखते और पढ़ते हैं। जब टीचर कभी डिक्टेट करते हैं आपको लिखने के लिए, ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर में वो डिक्टेट कर रहे हैं, उसका ख्याल रखकर आप लिखना होगा। अगेन इसका ख्याल रखें लिखने के वक्त और पढ़ने के वक्त भी, प्रोनाउंस भी ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में फ़र्क वाजे हो, उस तरह पढ़ने आपको आना चाहिए। आप समझे, आ, आ, ई, ई, उ, उ, रु, ए, ए, आई, क्योंकि दीर्घ स्वर है इस वजह से। नेक्स्ट ओ, ओ, अगेन हियर औ, क्योंकि दीर्घ स्वर है। क्लियर, स्वरा के ताल्लुक से पूरा समझ में आ गया, समझते हो आ से औ तक। अगेन हियर योगवाहकगळु समझाता हूँ, आखिर में इसको समझा देता हूँ। योगवाहकगळु हैं अम और अह, योगवाहकगळु अम और अह। योगवाहक में दो किस्में हैं, अनुस्वार मत्तु विसर्ग, अनुस्वार मत्तु विसर्ग। अच्छा याद रखे, योगवाहकगळु अनुस्वार मत्तु विसर्ग, अम अनुस्वार अह विसर्ग, आपको मालूम रहे। अम अनुस्वार अह विसर्ग, अम अनुस्वार अह विसर्ग, अच्छा मालूम रहे। योगवाहकगळु दो हैं, अम और अह, इसके दो किस्में अनुस्वार मत्तु विसर्ग। अम को अनुस्वार बोलते हैं, अह को विसर्ग बोलते हैं। मैं समझता हूँ स्वरगळु और योगवाहकगळु आपको समझ में आ गया। स्वरगळु के दो किस्में किस तरह प्रोनाउंस करना है, ह्रस्व स्वर किस तरह पहचानना, दीर्घ स्वर किस तरह पहचानना, और यहाँ योगवाहकगळु दो हैं, अनुस्वार और विसर्ग, अम अनुस्वार अह विसर्ग। चलिए थोड़ा बड़ा टॉपिक है, थोड़ा व्यंजनगळु कासे ला तक 34 लेटर्स हैं, इसको मैं आपको समझाना है। क्लियर है कॉन्सेप्ट, यहाँ कभी परेशान होने की या कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। स्वरगळु यो व्यंजनगळु योगवाहकगळु, स्वरगळु समझा दिया हूँ, आ से औ तक के लेटर और अम्मह योगवाहकगळु, कंप्लीट आ टू अम्मह आपको समझ में आ गया। अगेन रिमेनिंग फ्रॉम का टू ला लेटर्स आपको मैं समझाना है। का से ला तक के लेटर्स को कॉन्सोनेंट्स हैं, वो कॉन्सोनेंट्स को कन्नड़ में व्यंजनगळु बोलते हैं। आप नहीं भूलना है स्वरगळु व्यंजन, ये इसलिए याद रखना है, स्पेशली SSLC स्टूडेंट्स या PUC स्टूडेंट्स, इसलिए ऐसे याद रखना है क्योंकि ग्रामर में आपको आता है, संधि में आता है, ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर पहचानना होगा वहाँ बहुत सारी जगह, और छंदसु में भी ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर पहचानना आपको पहचानना होगा। इस वजह से आप कॉन्सेप्ट को कंप्लीट तरीके से समझने की कोशिश करें। मैं समझता हूँ ह्रस्व स्वरगळु समझ में आएगा, योगवाहकगळु समझ में आएगा। अब चलिए व्यंजनगळु, व्यंजनगळु मीन्स कॉन्सोनेंट्स, टोटल 34 लेटर्स हैं फ्रॉम का टू ला कॉन्सोनेंट्स हैं। व्यंजनगळु के दो किस्में हैं, वर्गीय व्यंजन अवर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन अवर्गीय व्यंजन, याद रखे। कॉन्सोनेंट्स को कन्नड़ में व्यंजनगळु बोलते हैं, वर्गीय व्यंजन अवर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन अवर्गीय व्यंजन। अच्छा, वर्गीय व्यंजन फ्रॉम का टू मा, वर्गीय व्यंजन फ्रॉम का टू मा, आपको अच्छा मालूम रहे। व्यंजनगळु का से ला तक है, उसमें दो किस्में हैं, वर्गीय व्यंजन मत्तु अवर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन फ्रॉम का टू मा, अवर्गीय व्यंजन, ये अवर्गीय व्यंजन है, दिस इज याट
टूल ला यासेर ला तक अवर्गीय व्यंजना यासेर ला तक अवर्गीय व्यंजना ये 25 लेटर्स हैं ये 9 लेटर्स हैं 25 प्लस 9 34 टोटल व्यंजन 34 हैं इसमें वर्गीय व्यंजना 25 है अवर्गीय व्यंजना 9 है अवर्गीय व्यंजना फ्रॉम या टू ला लास्ट की लाइन जो होगी वो होगी वर्गीय व्यंजना का से मा तक रहेगा। अच्छा वर्गीय व्यंजना में तीन किस्में हैं अल्पप्राण महाप्राण अनुनासिका अल्पप्राण महाप्राण अनुनासिका अल्प मीन्स स्वल्प लिटिल प्राण मतलब जान जो कम जान के लेटर हैं फॉर एग्जांपल का दिस इज अल्पप्राण यहाँ ख बोलकर प्रोनाउंस करना होगा ये महाप्राण ख महाप्राण का अल्पप्राण ख महाप्राण का अल्पप्राण ख महाप्राण का अल्पप्राण ख महाप्राण आपको मालूम रहे का अल्पप्राण ख महाप्राण आमतौर पर गलती क्या करते हैं हम लोग आ आ ई ई इसी तरह का क ग ग ऐसा नहीं है वो जो इसमें प्रोनाउंस करने के टाइम में फ़र्क होना ज़रूरी है लेकिन टाइम में फ़र्क होना है लेकिन इसमें टाइम में फ़र्क नहीं होना है अदा करने के तरीके में फ़र्क होना है बस यहाँ आ आ बोलेंगे उसी तरह यहाँ का का नहीं बोल सकते का ख बोलना मैं इससे पहले आपको समझाया ये एक मात्रा टाइम के लेटर्स हैं टू मात्रा टाइम के लेटर्स हैं बचे हुए पूरे लेटर्स एक मात्रा टाइम के लेटर्स हैं आप समझ जाइए अल्प प्राण रहे या महाप्राण रहे एक मात्रा टाइम के लेटर हैं उसको प्रोनाउंस इस तरह करते हैं क ख ग घ अच्छा क अल्प प्राण ख महाप्राण महा मतलब बड़ा आप जानते हैं ना बिग बड़ा प्राण मतलब जान को बोलते हैं प्राण अल्प प्राण क महाप्राण ख अल्प प्राण ग महाप्राण घ इन्या ये अनुनासिका है नासिका का मतलब नोस जो लेटर्स को नोस के जरिए से प्रोनाउंस करते हैं उसको अनुनासिका गलू बोलते हैं न्या को हमें नोस के जरिए से प्रोनाउंस करते हैं इस वजह से इसको अनुनासिका गलू बोलते हैं अगेन च अल्प प्राण छ महाप्राण प्रोनाउंस इस तरह हो च च इस तरह नहीं च छ ज अल्प प्राण झ महाप्राण न्या अनुनासिका नेक्स्ट ट अल्प प्राण ठ महाप्राण ड अल्प प्राण ढ महाप्राण न अनुनासिका अनुनासिका नेक्स्ट त अल्प प्राण थ महाप्राण द अल्प प्राण ध महाप्राण न अनुनासिका एक लाइन बाकी देखिए आपको समझ में आए पा अल्प प्राण ओके फर्स्ट लेटर पा अल्प प्राण नेक्स्ट सेकेंड जो फा होगा वो महाप्राण होगा नेक्स्ट ब अल्प प्राण भ महाप्राण मा अनुनासिका आपको समझाने के लिए मैं आपके सामने लिखा या आपको समझ में आ जाए पा अल्प प्राण फ महाप्राण ब अल्प प्राण भ महाप्राण मा अनुनासिका अगेन यहाँ अवर्गीय व्यंजनगळु या टू ळ या र ल व श श स ह ळ इस तरह अवर्गीय व्यंजनगळु 9 लेटर्स हैं आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट रहे कन्नड वर्णमाले के ताल्लुक से स्वर कितने हैं व्यंजनगळु कितने हैं योगवाक्यगळु कितने हैं स्वरगळु किसको बोलते हैं स्वरगळु व्यंजन किसको बोलते हैं योगवाहकगळु मतलब कौन से लेटर हैं स्वरगळु के किस्में दो हैं ह्रस्व स्वर मत्तु दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर किसको बोलते हैं एक मात्रा टाइम में जो लेटर करते हो प्रोनाउंस करते हो ह्रस्व स्वर है जो दो मात्रा टाइम में जो प्रोनाउंस करते हो दीर्घ स्वर है कन्नड़ा सीखना बहुत आसान है आप समझिए कॉन्सेप्ट को परेशान होना नहीं है कभी कभी क्या होता है थोड़े स्टूडेंट्स को ये इस तरह लिखने से आप समझ नहीं सकेंगे कंप्लीट आ से ला तक लिख लीजिए आप आ से ला तक आप आई आते हैं वर्ण माले लिख लीजिए उसके बाद भी आपको दलक करके देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा प्रैक्टिस हो जाएगी क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट स्वरगळु के दो किस्में ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर मीन्स वन मात्रा टाइम दीर्घ स्वर मीन्स टू मात्रा टाइम अगेन हियर व्यंजनगळु के दो किस्में वर्गीय व्यंजन अवर्गीय व्यंजन अवर्गीय व्यंजन में कौन से भी किस्में नहीं है सिर्फ वर्गीय व्यंजन में तीन किस्में हैं वर्गीय व्यंजन का से मा तक है अवर्गीय व्यंजन या से ळ तक है अल्पप्राण महाप्राण अनुनासिका आप समझे का ख याद रखे इसलिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ जब भी आप कन्नड़ा पढ़ते हैं इसका लिहाज रखे अल्प प्राण किस तरह लिखना होगा महाप्राण कब लिखना होगा फॉर एग्जाम्पल फ्रूट को कन्नड़ा में बोलते हैं फला हंडू भी बोलते हैं फला भी बोलते हैं फला उसको जब महाप्राण फा लिखना होगा
इस तरह महाप्राण फा लिखना, सेकंड फा महाप्राणा लिखना होगा। अगर आप इस तरह लिखेंगे तो यह गलत होगा, पला, इसको पढ़ेंगे पला, इसको पढ़ेंगे फला फला। जब क्लियर क्लियर अदा कर सकते लेटर को आप, इसलिए इसको समझना है कि पढ़ने का तरीका समझे। सबसे पहले किस लेटर को किस तरीके से पढ़ना बोलकर समझेंगे तो पढ़ना आसानी होगी और लिखने के वक्त कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा, अल्पप्राणा कब लिखना है, महाप्राणा कब लिखना है। इस वजह से अल्पप्राणा महाअनुनासिका मीन्स जो नोज के जरिए से प्रोनाउंस करते हैं। यहाँ अनुस्वर योगावाक्कल दो किस्में, अनुस्वारा मत्तु विसर्ग। मैं समझता हूँ आपको कुछ भी डाउट नहीं है, कंप्लीट कन्नड़ा वर्णमालिका का कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया समझता हूँ। आपको यह समझना जरूरी है इसलिए कि आपको ग्रामर भी समझना है, ढंग से पढ़ना लिखना सीखना है, पढ़ना सीखना है, लिखना सीखना है। जब आपको ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में फर्क नहीं मालूम होगा या अल्पप्राणा महाप्राणा में फर्क नहीं मालूम होगा, ढंग से पढ़ नहीं सकते और लिख भी नहीं सकते। जैसा मैं फला वर्ड कर लिख कर बताया, अगर आपको अल्पप्राणा महाप्राणा का फर्क मालूम नहीं, इसको कैसा प्रोनाउंस करना, इसको कैसा प्रोनाउंस करना, आप इसको प्रोनाउंस करेंगे पला पला बोलकर नहीं, गलत होगा वो। आपको समझना होगा फा महाप्राणा है, इसको फला बोलकर प्रोनाउंस करना होगा। और एक वर्ड है ऋषभा, ऋषभा ऋषभा, आपको मालूम रहे ऋषभा ऋषभा, भा महाप्राण है, अब भा बोलकर पढ़े ऋषभा। अगर ये भा होता तो ऋषभा बोलते। इस वजह से आपको बहुत ही ज़रूरी है कि लेटर्स के प्रोनाउंसिएशन समझे, अल्पप्राण किस तरह प्रोनाउंस किया जाता, महाप्राण किस तरह प्रोनाउंस किया जाता। आम तौर पर गलती यही करते हैं आप, आ आ इसी तरह क क ग ग इस तरह करते हैं, नहीं नहीं आ आ बोलकर आ एक मात्रा टाइम होगा, आ दो मात्रा टाइम होगा। सेम यहाँ का एक मात्रा टाइम होगा, खा दो मात्रा टाइम नहीं होगा, एक ही मात्रा टाइम होगा, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क होगा। मैं समझता हूँ आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह लेसन शुरू होगा, पहला लेसन, मैं समझता हूँ पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आ रहा तो लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। जो भी हमारे कैजन अकेडमी के वीडियोस आते रहेंगे उसके अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए। जो भी जिस क्लास जो भी क्लास में हम पढ़ाते वैसा ही नहीं, उसको प्रैक्टिस कीजिए आप बैठकर घर में। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।